नर्सिंग फाउंडेशन में हमारा आज का टॉपिक है निडल। निडल यानी कि सुई। आज हम देखेंगे कि निडल क्या होता है, इसके परिभाषा के बारे में, और इसके कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कि जो निडल होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि निडल क्या होता है, यानी कि सुई हम किसे कहते हैं। निडिल एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके द्वारा शरीर के अंदर किसी भी द्रव को इंजेक्ट किया जाता हो, या फिर किसी भी द्रव को जिसके थ्रू शरीर के अंदर भेजा जाता हो, उसे हम निडिल कहेंगे। निडिल एक स्टेनलेस स्टील की बनी हुई एक इक्विपमेंट होती है जो कि शरीर में इंजेक्ट करते हैं। सिरिंज में निडिल को लगा के फिर हम शरीर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू कोई भी मेडिसिन हम शरीर के अंदर डालते हैं, या फिर कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी द्रव शरीर के अंदर से बाहर खींचते हैं, जिसमें हम सिरिंज और निडिल दोनों का उपयोग करते हैं। निडिल जो है वो सिरिंज और निडिल जो है वो सिरिंज के साथ मिलके उसके बाद कोई भी दवाई को शरीर के अंदर इंजेक्ट करवाती है, या फिर शरीर के अंदर से कोई भी द्रव को बाहर निकालने में मदद करती है, उसे हम निडिल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि निडिल के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं निडिल के। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये निडिल का डायग्राम है। निडिल का जो लास्ट वाला एरिया होता है, इसे हम हब कहते हैं। हब का यूज़ होता है कि ये जो सिरिंज की हब होती है, या फिर जो सिरिंज होता है, सिरिंज का जो टिप होता है, उसमें हब को अटैच किया जाता है। उसके बाद जो स्टेनलेस स्टील की सिलेंड्रिकल जो होती है, जो बेलन आकार की एक स्टेनलेस स्टील की बनी हुई पतली सी छर होती है, उसे हम शाफ्ट कहते हैं। और जो कोन बना हुआ एरिया होता है, जैसे कि कोई भी निडिल का लास्ट एरिया होता है, वो इस प्रकार से होता है, तो इसे हम बेवल कहेंगे। इस एरिया को हम बेवल कहते हैं। तो ये तीन पार्ट होता है जो कि हमारा निडिल का होता है, जिसमें कि यूज़ होता है लास्ट एरिया का, हब का यूज़ होता है सिरिंज में अटैच करने के लिए। जो बेवल होता है, बेवल इसलिए होता है ताकि वो स्किन को छेद के स्किन के अंदर इंजेक्ट करते टाइम पे, वो अगर कोना नहीं रहेगा तो फिर वो सही से इंजेक्ट नहीं हो पाएगा, सही से हम छेद नहीं कर सकते हैं स्किन के अंदर। तो इसके लिए ये कॉर्नर बना हुआ होता है, एक नुकीला सा होता है, ताकि कम दर्द में या फिर ज़्यादा दर्द ना हो, और स्किन को अच्छे से एक अच्छे एंगल में वो इंजेक्ट कर सके कोई भी मेडिसिन को इसके लिए। और जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट का एक डायमीटर होता है, जो शाफ्ट होता है इसका एक डायमीटर होता है, ये डिपेंड, जिसे हम गॉज भी कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने गॉज का ये शाफ्ट है, यानी कि इसका जो डायमीटर होता है वो डिपेंड करता है कि मोटाई कितनी है निडिल की। जैसे जैसे निडिल का रेंज कम होते जाएगा, वैसे वैसे जो डायमीटर होती है शाफ्ट की वो बढ़ती जाती है, यानी कि जो निडिल होता है वो मोटा होते जाता है रेंज के अकॉर्डिंग। जब हमने सिरिंज देखा था तो हमने ये देखा था कि ये हमारा सिरिंज होता है। सिरिंज ने हमने लास्ट क्लास में सिरिंज को डील किया है। अभी हम देख रहे थे निडिल। जो निडिल का एरिया होता है, हब वाला एरिया, उसको हम सिरिंज में ऐसे अटैच कराते हैं। जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट हमारा स्किन के अंदर जितने एंगल के डिग्री पे हमें स्किन में इनपुट करना होता है, या फिर स्किन में इंजेक्ट करना होता है निडिल को, तो शाफ्ट पे डिपेंड करता है कि कितना डीपली हमें इंसर्ट करना है निडिल। तो और शाफ्ट इस पे भी डिपेंड करता है, शाफ्ट की जो डायमीटर्स होते हैं उस पे डिपेंड करता है कि कौन से, जैसे बहुत सारे निडल होते हैं वो अलग अलग साइट के लिए बने होते हैं, जैसे सबक्यूटेनियस के लिए जो निडल्स आती हैं, जो उनकी जो डायमीटर होती है वो कम होती है, और जो IM वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा। जो इसका डायमीटर होता है वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम कितना ML मेडिसिन इनपुट कर रहे हैं, या फिर कितना ML मेडिसिन हम इंजेक्ट करने जा रहे हैं। अगर मेडिसिन का अमाउंट ज़्यादा है तो हम, या फिर जो कंसंट्रेशन होता है मेडिसिन का, अगर वो थिक कंसंट्रेशन है, तो उस टाइम पे हम कम गॉज वाले निडिल को लेंगे, यानी कि जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, वो मेडिसिन वो निडिल हम यूज़ करेंगे। जब हमें कोई ऐसा मेडिसिन इंजेक्ट करना होगा जिसका कंसंट्रेशन थिक हो, यानी कि जो गाढ़ा मेडिसिन हो,
अगर कोई पतला मेडिसिन है तो उसके लिए हम जो सबसे पतली नीडल होती है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर गाढ़ा मेडिसिन है उसको इंजेक्ट करने के लिए अगर हम पतला नीडल लेते हैं तो वो नीडल में फंस जाती है दवाई, जो दवाई गाढ़ी होती है तो फिर वो सही प्रेशर से बॉडी के अंदर नहीं जा पाता है। तो इसलिए डिपेंड करता है कि हमें गॉज का भी ध्यान रखना चाहिए जब भी हम नीडल सेलेक्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में बात किया था जब सिरिंज के बारे में, तब हमने ये बताया भी था, उस दिन भी हमने ये चर्चा किया था कि जो निडल होते हैं निडल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज के क्लास में हमने देखा है कि निडल क्या होती है। निडल एक ऐसा इक्विपमेंट होता है, निडल एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू हम मेडिसिन को शरीर के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने निडल के पार्ट्स को पढ़ा। जो पार्ट्स सिरिंज से अटैच होती है उसे हम हब कहते हैं। जो सिलेंड्रिकल एरिया दिख रही है इस एरिया को हम शाफ्ट कहते हैं, और जो पिन पॉइंट होता है, जो टिप वाला एरिया होता है, नॉर्मली टिप तो हम सिरिंज के फर्स्ट एरिया को बोलते हैं टिप, लेकिन जो नीडल का जो शार्प एरिया होता है उसे हम बेवल कहते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।